बना के रखे हुए हम खाएंगे और बिस्मिल लगा लो भाई बिस्मिल। नीड्स मिनी फॉरेस्ट कहाँ जा रहे हैं भाई? नीड्स मिनी फॉरेस्ट। आमिर भाई गाड़ी चला रहे हैं और आगे मानी पठान बैठे हैं। मैं बैठा हूँ भाई जान। ये वारिस राजपूत हैं और ये वकास आएंगे और मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, मैं आखिरी में नज़र आऊँगा। और हमारे भाई अली भाई, अली शेख, अली नईम, सलीम भाई और दीगर जो दोस्त हैं, चुनैद भाई खास तौर पर जो हमें लेके जा रहे हैं, वो दूसरी गाड़ियों में हैं। भाई मैं थोड़ी वीडियो बनाया आगे की, ज़रा रोड शफाफ साफ साफ और शफाफ दिख रहा है, ज़्यादा लंबी नहीं करिए ना। ट्रैफिक में फंसे हुए थे आप? जी भाईजान ट्रैफिक में थे। अस्सलाम वालेकुम। और हैदराबाद के शहरियों को एक बड़ा एक उनका प्रॉब्लम है कि तफरीह मकामात नहीं है हैदराबाद में, लेकिन ये जगह वाकई ऐसी है कि फैमिलीज़ यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, एक बहुत अच्छा पुरसकून फैमिली वाला माहौल है। तो मैं सब लोगों को बोलूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आएँ, मीर्स मिनी फॉरेस्ट बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। किया जा रहा है अली भाई? बाद में वो बंदे वो कोर्ट आदमी तस्वीर मान ले। कैसा लगा? मजा आया? भाई मीर्स मिनी फॉरेस्ट के डेक पर पहुंचे हम, देखें आप नहर के किनारे हैं और अली भाई हमारे साथ बैठे हैं, हमारे भाई दोस्त उमेर भाई, सलीम भाई भी बैठे हैं बड़े अच्छे मूड में, वकास रही और उसके साथ साथ मानी पठान। अली भाई आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कैसा माहौल है भाई? हैदराबाद शहर से बिल्कुल करीब तरीन अगर आपको किसी जगह पर इंजॉय करना है और इंजॉयमेंट के साथ सुकून हासिल करना है तो बेहतरीन जगह है मीर्स मिनी फॉरेस्ट, जहाँ पर आप पूल का मज़ा भी ले सकते हैं और बिल्कुल दो दरिया जैसा, बल्कि उससे भी अच्छा ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हमारी जो ओल्ड फुलेली नहर है, हम उसके बिल्कुल समझने के ऊपर डेक जो बनाया हुआ है उसके ऊपर उस पर बैठे हुए हैं। नहर का भी बहुत खूबसूरत व्यू है और बहुत सुकून जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया। जुनैद भाई सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी जो आज आपने इनवाइट किया यहाँ पे, और हम तमाम दोस्तों की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदा खुश रहो, आबाद रहो। टेरिस पे पहुंच गया मिनी मीर फॉरेस्ट के, और मीर्स मिनी फॉरेस्ट इसका नाम है। हैदराबाद से जब आप टंडो मोहम्मद खान जाएंगे तो उस रास्ते में ये पड़ता है, बहुत ही शानदार फार्म हाउस है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की बास्केट इन्होंने बना के दी थी जिसमें हमने फ्रूट्स और रिफ्रेशमेंट भी खाई है। और जब भी आप हैदराबाद के लोग घूमना चाहें या हैदराबाद के अलावा भी कोई आए
तो यहाँ पर आ सकता है और बहुत इन्जॉय कर सकता है। बहुत अच्छी लोकेशन है और सेपरेट फार्म हाउस है, फैमिली और दोस्तों के साथ इंतहाई मज़ा आया हमें। मीर स्पिनी फॉरेस्ट में जो जगह है आप देख सकते हैं, ये सर्दियों में बोन फायर के लिए है। यहाँ पर ज़बरदस्त बोन फायर होगा और साथ साथ 5 एकड़ जो है वो ज़मीन है जिस पर छोटा सा जंगल बना हुआ है और 1 से ज़्यादा किलोमीटर का जो फासला है वो है तकरीबन इधर वॉकिंग ट्रैक का। सर अब हम जंगल की तरफ जा रहे हैं।